परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद मायके पक्ष के लोगों की ओर से ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी। थाना किसनी क्षेत्र के ग्राम सकतपुर निवासी अरविंद सिंह ने अपनी पुत्री सुरुचि का विवाह 16 फरवरी वर्ष 2018 को थाना भोगांव क्षेत्र के ग्राम नगला मधु निवासी सुनील कुमार पुत्र राजवीर सिंह यादव के साथ किया था। राजवीर सिंह पुलिस विभाग में दरोगा है। वह वर्तमान में जनपद कानपुर में तैनात है। शादी के बाद सुरुचि ठीक से 2 साल भी ससुराल में नहीं रह पाई कि दहेज लोभी ससुराली जनों ने अतिरिक्त दहेज में लग्जरी कार की मांग शुरू कर दी, जिसके बाद शनिवार की रात विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोप लगाते हुए बताया है कि मृतका के दहेज लोभी सास नंद और देवर ने मृतका सुरुचि की गला घोटकर हत्या कर दी और घटना को आत्महत्या का रूप देने के उद्देश्य से शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया, जिसके बाद सभी ससुराली फरार हो गए। घटना की जानकारी मायके वालों को ग्रामीणों ने दी। जानकारी होते ही मायके पक्ष के लोग आ गए। सूचना मिलते ही इलाका पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। से पहले भी बराबर मांग कर रही थी, शादी से बराबर सता रहे थे और घरेलू पंचायत भी वही कई बार रिश्तेदारों को लेके और गांव समाज को लेके, लेकिन बार बार लड़की ने उसे 24 घंटे पहले भी फ़ोन किया, एक दिन पहले भी वो बता रहे थे। क्या सूचना मिली थी जब मौके पर पहुंचे तो क्या देखा? वहाँ पर लड़की आंगन में पड़ी थी और वहाँ दुपट्टा एक इकट्ठा हुआ पड़ा था, खून पड़ा था, चप्पलें और चूड़ी टूड़ी हुई पड़ी थी, उसके कमर में निशान था, गले में भी निशान थे। सब देख के आपको क्या लग रहा था? उसकी जो है गला दबा गला ऐंठ के दुपट्टा से हत्या की गई, मारा पीटी भी की गई, मारा पीटी भी होगी साथ हुई, लेकिन यहाँ निशान था इससे साबित हो रहा है, बेड पे या किसी पे दबोच के थी। वहाँ से जब मौके पे पहुँचे कोई परिवारी जन आपको मिला? कोई नहीं था। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई? अभी तक कुछ नहीं हुई, FIR हुई। FIR दर्ज के दौरान किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं। अच्छा, लड़का करता क्या था? कोई प्राइवेट जॉब कर रहा था। लड़के के पिताजी क्या करते थे? पुलिस में दरोगा। कहाँ पे अभी पोस्टेड है? कानपुर में। क्या नाम था इन लोगों? राजवीर सिंह, अरविंद सिंह। आपने अपनी बेटी की शादी कहाँ की? मधुबनी। क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? दहेज के ऊपर 1 महीना से उत्पीड़न होने लगा, 15 लाख रुपया दिया और तो भी रुपये मांगती रही और रुपये परेशान रखें भी बेटी को। बेटी की शादी कब की थी आपने? 16 फरवरी। कौन समय? 2018। अच्छा, उस दौरान से ही ये प्रताड़ित करने लगे थे। हाँ। कल किस तरीके से आपको सूचना मिली थी? गाँव के लोगों ने बताया, शाम को 6 बजे सूचना मिली कि लड़की तुम्हारी मार दी। तो जब आप मौके पर पहुँचे तो आपने क्या देखा? बारंडा में मक्खी पड़ी हुई थी, तख्त पर रखी थी। बेटी के शरीर पर कोई निशान वगैरह? हाँ, गले में निशान। इस दौरान पुलिस को आपने सूचना दी या पुलिस में पहले पहुंची? पुलिस ने सूचना दी, फिर पुलिस ने FIR दर्ज किया। हाँ। किसी की गिरफ्तारी वगैरह हुई? कुछ नहीं हुआ सर। कितने लोग नामजद किए हैं? 6। इस दौरान ये भी सुनने में आया, लड़की का जो लड़के का पिता है वो पुलिस में है। हाँ, दरोगा है।